Hello everyone, welcome you all at LOKESAR Unlimited Study Zone and we are starting our chapter number 1st of physics. ये revision batch हम फिर से start कर रहे हैं and the name of the chapter is electric charges and field. तो chapter का heading बना लीजिए electric charges field and let's start the chapter. सबसे पहला लिखिए question, what is electric charge? ओके तो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले यूं ही सवाल कर रहा हूँ कि बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आपके मन में क्या जवाब आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है. इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी आप अपने घर से निकलते हैं और कहीं पर देशभक्ति के गाने बज रहे होते हैं तो आप क्या फील करते हैं, आप अपने अंदर, आपने अपने अंदर बिट ऑफ या थोड़ा या ज्यादा या कम पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्त आप अपने आप को फील करते हैं. फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो लव सॉन्ग्स बजते हैं तो आप दूसरे मूड में आ जाते हैं. फिर आगे जाते हैं फिर कोई बारात निकल रही होती है तो आप मस्ती के मूड में आ जाते हैं, नाच गाने के मूड में. सिमिलरली हर एक मैटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस के कारण अपने आप को आइदर पॉजिटिवली चार्ज कर लेता है या निगेटिवली चार्ज कर लेता है. मेरे कहने का मतलब है चार्ज एक तरीके का भाव है, एक इमोशन है जो हर मैटर के अंदर होता है, हर मैटर के अंदर होता है, बट वो क्रिएट होता है सिचुएशनल. जैसे हमारे अंदर के भाव सिचुएशनल क्रिएट होते हैं ऐसे ही चार्ज ही सिचुएशनल क्रिएट होता है. ओके तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मैटर which creates due to electronic disbalance. तो लिखिए charge is the intrinsic property of every material, every matter, whatever you want, which creates due to electronic balance, electronic disbalance, not balance. Okay? तो बच्चा लोग charge is the intrinsic property of every matter, every material. And it's created due to electronic disbalance. Now, what is this electronic disbalance mean? यार ये electronic disbalance का मतलब क्या है? Electronic disbalance का मतलब है proton और electron के अनुपात में होने वाली गड़बड़ी. Disbalance मतलब गड़बड़ी. आप जानते हैं कि दुनिया की हर एक न्यूट्रल बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन न्यूक्लियस में विराजमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनका क्या लगाते हैं, चक्कर अपनी अपनी ऑर्बिट से. तो अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो दुनिया की हर एक न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ सोडियम का. आप बहुत फैमिलियर हूँ इसलिए मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ. बच्चा लोग सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं. यू नो 11 पॉजिटिव पार्टिकल मींस 11 प्लस बनाना, तो 11 प्लस बना लो, मैंने डायरेक्टली 11 पी लिख लिया है. क्लियर ना? और उसके बाहर ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाते हैं भाई? 11 ही चक्कर लगाएंगे. खूब पढ़ रखा है 281 का कॉन्फिगरेशन होता है. पहली ऑर्बिट में 2 होते हैं, बाहर 8 होते हैं, फिर लास्ट में कितना होता है? 8. बोलो यस और नो भाई. 8 बना लो डर लग रही तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर है? तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, 281 का कॉम्बिनेशन हुआ करता है. एंड दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, वी कैन ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल. ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल. प्रोटॉन कैसे पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल. यहाँ पे आप 11 प्रोटॉन की जगह पे 11 प्लस बना सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो हियर वी हैव 11 प्लस एंड दीज 11 पॉजिटिव पार्टिकल आर बैलेंस्ड बाई 11 निगेटिव पार्टिकल. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, and this one minus is 11. So, यहाँ पे प्रोसेस ये हो रही है कि 11 पॉजिटिव पार्टिकल आर बैलेंस्ड बाय 11 नेगेटिव पार्टिकल एंड वी कैन से दैट दिस एटम इज न्यूट्रल नाउ बिकॉज 11 पॉजिटिव पार्टिकल गेट बैलेंस्ड बाय 11 नेगेटिव पार्टिकल. अंडरस्टूड? नाउ इफ वन पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल यहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से जिसको इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जिसको इसकी वैलेंस शेल बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, किसी ने ले लिया, सुना होगा क्लोरीन ले लेता है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो व्हाट हैपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे. इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 पॉजिटिव पार्टिकल. इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 नेगेटिव पार्टिकल. तो मेरे भाई 10 नेगेटिव 10 प्लस को तो बैलेंस करके रखेंगे बट स्टिल 8 प्लस तो अतिरिक्त इसके ऊपर बचेगा ना. तो इसके ऊपर एक्सेस चार्ज क्या बचा? स्पीक अप. पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर अतिरिक्त चार्ज क्या बचा? पॉजिटिव. सो दैट्स व्हाई दिस नाउ सोडियम आयन बनता है, दिस इज कॉल्ड Na प्लस. क्या बनता है? Na प्लस. हम क्या कहते हैं, इस बॉडी के ऊपर एक प्लस चार्ज है. प्लस चार्ज मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज. क्लियर है? एक प्रोटॉन का चार्ज है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. तो भैया 10 इलेक्ट्रॉन 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव तो बैलेंस होंगे ना. बचा क्या? अतिरिक्त क्या बचा? अतिरिक्त बचा एक प्रोटॉन का चार्ज, वन पॉजिटिव. गॉट इट? सो ये क्या था शुरुआत में? क्या था शुरुआत में? इलेक्ट्रॉनिकली एटम बैलेंस था क्योंकि जितने निगेटिव थे उतने पॉजिटिव थे. बाद में क्या हो गया? बाद में हो गई सिचुएशन इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस. किसकी सिचुएशन हो गई? इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस. इस इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से ही एक न्यूट्रल एटम क्या हो गया? चार्ज हो गया. क्या हो गया जी? चार्ज हो गया. ये जो लेन देन हुआ है उसकी वजह से चार्ज. तो चार्ज ऐसा नहीं होता कि कहीं आप पकड़ करके ला करके किसी के ऊपर लगा रहे हो. भाई हमारे सींग नहीं है तो सींग नहीं हो सकते हैं, है ना? हमारी प्रॉपर्टी नहीं है. मतलब जो भी है इमोशंस अंदर से क्रिएट होते हैं. चार्ज अलग से कोई नहीं, आप उसी बॉडी से ही चार्ज क्रिएट होते हैं. डेवलपमेंट होता है, नॉट क्रिएट, डेवलपमेंट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लोगे तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस टू. एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस थ्री. अंडरस्टूड? तो आप पॉजिटिवली चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ा सकते हो बाय रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन. एंड इफ यू गिविंग द इलेक्ट्रॉन देन व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजोरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा. एग्जाम्पल कर लो, क्लोरीन की बात कर लो. क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं कि नहीं होते? 10th क्लास में पढ़े होंगे. क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अभी ये सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन गया, इसने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हुआ क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा इफेक्टिव चार्ज आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव पार्टिकल बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव पार्टिकल बढ़ रहे हैं. समझ गए ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल करता है क्योंकि दोनों का दम सेम होता है. दम मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का सेम होता है. गॉट इट? यस. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है. तो क्या देखा हमने दोनों इवेंट में? हमने दोनों सिचुएशन में ये देखा कि चार्ज शुरुआत में नहीं था, मतलब बॉडी न्यूट्रल थी. बट आफ्टर देन व्हेन वी मेक सम डिसबैलेंस, व्हेन वी मेक सम डिसबैलेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन और बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके? आइदर बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, गिविंग द इलेक्ट्रॉन और बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन और रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन. व्हेन यू रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. And when you giving the electron, the body becomes negatively charged. So what happens? The charge being developed. It is not created. It is developed. जैसे हम रास्ते में चलते हैं
और देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझ गया ना, वो कोई सा गाना है ना, बहुत सारे हैं है ना, एक तो तुम्हारी रिंगटोन में ही पड़ा हुआ है भाई, तो वो देशभक्ति, यू आर ऑल्सो बहुत अच्छे देशभक्त आप, तो भाई आप सुनते हैं तो आपके अंदर भाव आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, ऐसा ही चार्ज का डेवलपमेंट है, कोई बाहर से नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी मैटर, ईच एंड एवरी मटेरियल दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। इस बात को मत भूलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस मतलब लोचा करने को मांगता है, इलेक्ट्रॉन को चेंज करना पड़ेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो देन दैट द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और अगर आप इलेक्ट्रॉन घटाते हो देन दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ गया? यस। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कितने तरीके की चार्ज बॉडीज हो सकती हैं, दो तरीके की। तो लिख लो कॉपी में, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज। एक्चुअली चार्ज अकेले कुछ नहीं है, चार्ज किस पे आएगा, बॉडी पे आएगा। रोंगटे किसके खड़े होंगे, अरे रोंगटे तो इंसान के ही खड़े होंगे ना, इंसान के ऊपर ही तो चार्ज आएगा। सिमिलरली बॉडीज के ऊपर चार्ज आता है, तो चार्ज जो भी है वो चार्ज बॉडीज है। ओके, चार्ज जो भी है चार्ज बॉडीज है। एग्जाम्पल, ये मेरे पास पेन है, मैंने इस पेन को रब किया। ओके, तो रब करने से ये पेन हो गया चार्ज। अब मैं बोलूंगा ये कौन सी चार्ज बॉडीज है, तो मे बी ये निगेटिवली चार्ज बॉडीज है, मेरे हेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके अंदर चले गए, तो इट इज निगेटिवली चार्ज बॉडीज। या पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज कब होगी, अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे हेयर के ऊपर आ जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ ना? तो क्या बनती है, क्या बात होती है, बात ये समझ में आ रही है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज हमेशा किससे पाया जाएगा, मास से ही पाया जाएगा। समझ गए ना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये मैंने उठाया ये शार्पनर, अभी ये चार्ज नहीं है, सो इट्स ओनली अ मास। सो मास एग्जिस्टिंग विदाउट ऑफ चार्ज, बट ये पेन जो है ये चार्ज है ना, चार्ज है ना, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अरे भाई चार्ज आएगा किससे, मैटर पे ही तो आएगा, और मैटर पे आएगा तो उसे तो मास की जरूरत है ना, यस और नो? बट मास बिना चार्ज के भी रह सकता है, बिना चार्ज मतलब न्यूट्रल, बिना चार्ज मतलब न्यूट्रल। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड चार्ज मास एनालॉजी। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, चार्ज मास एनालॉजी। और ये एनालॉजी कहती है कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज सॉरी मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास बिना चार्ज के रह सकता है, बट चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। ओके, हम पे चार्ज आएगा तो हम क्या है, मास ही तो है, तभी तो हम पे चार्ज आया है। क्लियर हुआ ना? तो ये थी पहली डेफिनेशन अभी तक की मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज की बताई। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, वंस अगेन समराइज करता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल, एवरी बॉडी, एवरी मैटर विच डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। दूसरी एक और डेफिनेशन चलती है बुक में, वो ये है व्हाट इज चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसको एक्वायर करने के बाद, जिसको एक्वायर करने के बाद वो फोर्स लगाता है और फोर्स महसूस करता है, वो फोर्स लगाता है और फोर्स महसूस करता है। फोर्स लगाता है का मतलब इट एग्जर्ट सम फोर्स, और फोर्स महसूस करता है मतलब इट रियलाइजेस सम फोर्स। क्लियर है? देखो, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी है, एक आप कुछ खरीद करके लाए फुटबॉल, तो आप एक बॉल खरीद करके ले आए, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू नेट। क्यू से किसको दिखाते हैं, चार्ज को। तो टोटल नेट चार्ज कितना है बॉडी का, जीरो।
अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉडी अनचार्ज है, क्योंकि बॉडी अनचार्ज है। तो अनचार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं दिखता है, ना ये किसी को असर दिखाती है, ना ये किसी का असर दिखती है। इस लाइन का मतलब इट्स नाइदर एग्जर्ट एनी फोर्स, ना ये किसी को असर दिखाती है, मतलब नई वाली बॉडी को किसी को ये किसी प्रकार का फोर्स इम्पैक्ट नहीं करेगी, एग्जर्ट नहीं करेगी। एंड सेकेंड लाइन, ना ये किसी का अदर का फोर्स देखती है, न्यूट्रल बॉडी ना एग्जर्ट करेगी ना रियलाइज करेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। तो ना ये किसी को खुद के फोर्स को दिखाएगी, ना ये दूसरे का फोर्स झेलेगी। क्लियर हुआ? ना एग्जर्ट करेगी ना रियलाइज करेगी, न्यूट्रल बॉडी ना ही फोर्स एग्जर्ट करती है ना ही फोर्स रियलाइज करती है। बट चार्ज क्या है? अगर इस बॉडी को आप चार्ज एक्वायर करने का मौका दे दें, पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लीजिए या नेगेटिवली चार्ज एक्वायर कर लीजिए। पॉजिटिवली चार्ज कैसे एक्वायर करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन को देके। नेगेटिवली चार्ज कैसे एक्वायर करेगी? किसी के इलेक्ट्रॉन लेके। अगर इस बॉडी ने कोई भी थोड़ा सा चार्ज एक्वायर कर लिया, हिंदी में बोलते हैं चार्ज कमा लिया, आइदर पॉजिटिव कमा लिया या नेगेटिव कमा लिया, तो बच्चों दो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर वन, एग्जर्ट। एग्जर्ट मतलब अब ये खुद का फोर्स एग्जर्ट करेगी सामने वाले को, सामने वाले को क्या करेगी, खुद का फोर्स एग्जर्ट करेगी, दिखाएगी, समझ गए। दूसरा, रियलाइज भी करेगी, एग्जर्ट के साथ साथ रियलाइज, क्योंकि चार्ज है इसलिए दूसरे वाले का फोर्स भी क्या करेगी, रियलाइज करेगी। क्लियर हुआ? रियलाइज भी करेगी, ठीक है ना। यस, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज दूसरी डेफिनेशन में बता रहा था, पहली तो बता चुका हूँ, दूसरी डेफिनेशन है चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल मैटर, ओके, फॉर एवरीथिंग ड्यू टू विच इट एग्जर्ट और रियलाइज, या रियलाइज और एग्जर्ट, सम फोर्स रियलाइज करेगी या एग्जर्ट करेगी सम फोर्स, व्हेन प्रोवाइडेड इन, जब इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, व्हेन प्रोवाइडेड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया भाई? सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इट एग्जर्ट और रियलाइज को एक्सपीरियंस भी कर लो, और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब डेफिनेशन अपने से बना लो यार, इतना सारा मैंने पढ़ा दिया। किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या रियलाइज करती है, फोर्स रियलाइज करती है, और या फोर्स एक्सपीरियंस करती है या फोर्स लगाती भी है, दोनों बातें हैं, समझ गया ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपकी भाषण समझाता हूँ। आप घर से निकले थे एकदम न्यूट्रल मूड में, चौराहे से निकले, देशभक्ति के गाने बज रहे थे, समझ गया ना, आपके अंदर क्या आ गए, देशभक्ति के भाव आ गए, आप चार्ज हो गए। अब क्या हो गए बच्चा लोग, चार्ज हो गए। अब आप पेट्रियोटिक फुल टू चार्ज हो चुके हो, तो आप दूसरे पे भी तो अपना इम्पैक्ट डालोगे ना, क्योंकि आप चार्ज होकर के निकले हो, तो दूसरे से भी कैसी बातें करोगे, दूसरे से भी तो आप देशभक्ति की बातें करोगे, क्योंकि आप चार्ज हो तो आप दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो। और अगर कोई अगेंस्ट में बोल रहा है नेशन के, तो आप क्या करोगे, उसका अपोज करोगे, क्या करोगे, अपोज करोगे, बिकॉज आप चार्ज हो, समझ गए ना। बट यदि आप चार्ज नहीं थे तो आपको उस समय कोई मतलब था क्या, नहीं यार। ऐसा होता है ना, आप लोग सिनेमा से मूवी देख करके लिखते हो, निकलते हो, एक तो शुरू के एक दो घंटे तो बिल्कुल मूवी वाले भाव में रहते हैं, हाँ बड़ा मजा आया, और क्योंकि उस समय मालूम आप लोग बॉडी मतलब बिल्कुल चार्ज वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसी मूवी के बिल्कुल पैशन में आ जाते हो, सी के पिक्चर देख करके निकले होगे, कभी सोचो आप फील करते हो, वाह कितनी रियलिटी है वाकई में, गॉड एग्जिस्टेबल है कि नॉन एग्जिस्टेबल है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो दैट इज ये चार्ज का कैरेक्टर है, ठीक है ना। ओके, सो चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया, और मैंने अभी दिखाया आपको, लिखे
राइट द टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे. सो जस्ट वी हैव डन हियर द इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस एंड वी ऑब्जर्व देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉसिबल, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज. सो राइट डाउन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सो व्हेन अ बॉडी डोनेट सम इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी डोनेट सम इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ओके, सो दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. अब उसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज के जरिए फ्यूज करते हो. जैसे मैंने ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, सो दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. नाउ आई विल ट्रीट दिस बॉडी एज अ पॉजिटिव चार्ज, मैं इस बॉडी को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करूंगा. सेकेंड, नेगेटिव चार्ज. When some electron is given to a neutral body, when some electron is given to a neutral body, it becomes negatively charged. Okay. Neutral body. It becomes negatively charged. Now we're discussing realization of charge. It is very obvious, very simple. Realization charge. क्या हम चार्ज को अपनी डे टू डे लाइफ में रियलाइज कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है. जब भी आप सिंथेटिक क्लॉथ को पहनते हो या उतारते हो तो आपने चिटचिटाहट की आवाज सुनी होगी सिंथेटिक क्लॉथ में. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. वो वहां पर आपको चार्ज की प्रेजेंस बताता है कि वहां पर चार्ज. दूसरा, टीवी चल रही होती है तो आप सामने कभी अपने हाथ को ऐसे ला करके देखिएगा, ये आपके जो रोए हैं ना खड़े हो जाएंगे एकदम से. और ये टीवी को ऐसे ऐसे करिएगा सामने, चिट 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 की आवाज आएगी. समझ गए? तो वो क्या है? चार्ज. जोरदार थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है साउंड के साथ, ये किसका एग्जाम्पल है? चार्ज का. ओके, तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. So what is first example? Experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic cloth is the example for the presence of charge. Okay? So we can see a spark, either we can hearing the some crackle sound, chote chote pat pat chit 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 ki awaaz aati hai. So ye kyun hai? Because of the charge. Second example, lightning in the sky during the thunderstorm, it is because due to What? इलेक्ट्रिक चार्ज. बादल जो होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है. क्लाउड्स में फ्रिक्शन की वजह से क्या जाता है? चार्ज आ जाता है. यस, तो इसकी वजह से थंडरिंग होती है. एक बहुत छोटा एग्जांपल आपने बचपन में किया होगा, आप अपने सूखे बालों से स्केल को रगड़ो और कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दो और फिर आपने कागज के टुकड़ों को तो उड़ाया होगा हवा में, देखा होगा उड़ करके जो टुकड़े होते हैं वो स्केल से चिपकते हैं. ये भी कौन से फिनोमिनन है? ये भी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज है. समझ गए ना? तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ चार्ज. चलिए, तो अब चार्ज की जानकारी हो चुकी है. चार्ज क्या है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एक चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. अब चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? इसे नाम क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ. इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी, रुका हुआ. स्टेशनरी बॉडी सुना है ना? स्टेशनरी, रुका हुआ. इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है. इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है. फंडामेंटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन, सबसे नन्हा इलेक्ट्रॉन, सबसे नन्हा चार्ज, सबसे नन्हा
अच्छा, जैसे आप एक बड़ा सा घर बनाते हो, तो एक बड़ा सा घर बनाओगे तो उस बड़े से घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट है। जो सबसे नन्ही यूनिट यूज होती है घर बनाने में वो क्या है? ईंट। एक ईंट से कई जोड़ करके घर बनता है ना, ये सर नो। एक बड़ी सी बुक है, उसका सबसे नन्हा पार्ट क्या है? उसका एक पेज है कि नहीं? ऐसे ही चार्ज कितना भी बड़ा हो सकता है, मगर वो मिलके किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो राइट, फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठा हुआ चार्ज। आपसे बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज बैठा हुआ? बेटा नेगेटिव नेचर का होता है। आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव नेचर का होता है। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्लियर हुआ? तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो मीनिंग से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ब्रॉड बेस में क्या फील करूं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन है क्या? चार्ज ही तो है। इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। लिख लो पप्पी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। भाई चार्ज है तो पार्टिकल तो होगा ही, क्योंकि बिना चार्ज पार्टिकल ही वगैरह एग्जिस्ट कर ही सकता। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज। समझ गए ना? बाकी सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही मिलकर के बने हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, तीन इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, चार इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, पांच इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, अभी बताऊंगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट इफेक्ट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रेस्ट इफेक्ट ऑफ चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। Which deals with the study of charges at rest. So electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charges at rest. Physics की वो branch जिसमें हम charges के rest mode का अध्ययन करेंगे, की study करेंगे, that is called electrostatics. Okay? तो आने वाले कुछ लेक्चर में आपका चार्ज केवल रेस्ट में रहेगा, अपने चार्ज को रोक करके उसकी स्टडी करिएगा। फीलिंग लाते हैं, एक गुलाब का फूल ले लीजिए भाई, गुलाब का फूल मुझसे बनाते आता नहीं है, तो जो फूल बना रहा हूँ वही ठीक है। ये ले, ये फूल है फ्लावर। अब फ्लावर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं फ्लावर को चार्ज से एनालॉग कर रहा हूँ, मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये चार्ज है और ये फ्लावर है, दोनों की बिल्कुल एक जैसी अदाएं हैं, दोनों एक जैसा महसूस करिए। एनालॉजी बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं समतुल्यता, है ना? तो मैं एनालॉजी बिठा रहा हूँ कि इसमें इसकी एनालॉजी देखो। बच्चों, ये फ्लावर और ये चार्ज, फ्लावर भी किसमें बेटा? रेस्ट में। चार्ज भी किसमें है? रेस्ट में। पहली एनालॉजी तो ये हो गई, दोनों किसमें है? रेस्ट में। अब जब ये चार्ज है और ये फ्लावर है, तो ये कुछ दूर तक अपनी खुशबू स्प्रेड करेगा। चार यहाँ बना, कुछ दूर तक अपनी खुशबू फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? फेंकेगा। तो जिस दूरी तक ये अपनी खुशबू स्प्रेड करेगा माय डियर, वो इसका क्या कहलाएगा? वो इसका फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा कि यहाँ तक खुशबू आ रही है। कि बगीचे में भी कहीं तक फूल लगे होंगे, तो थोड़ी दूर तक बाहर तक खुशबू आती है ना, तो वो उसका फील्ड कहलाएगा। सिमिलरली चार्ज की है,
अगर चार्ज रक्त पे है तो थोड़ी दूर तक अपनी प्रेजेंस का एहसास कराए। ये फ्लावर क्या करा रहा है? ये फ्लावर भी तो अपनी प्रेजेंस का एहसास करा रहा है कि नहीं करा रहा है? आप बगल वाली गली से निकल जाओ सुन करके, हाँ कुछ है यहाँ पे, अच्छा फ्लावर है तो बोलोगे ना। ऐसे ही ये चार्ज है, तो चार्ज भी अब थोड़ी दूर तक अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाएगा। जिस दूरी तक ये अपनी प्रेजेंस का एहसास कराएगा उस दूरी को बोलते हैं, उस डेंसिटी को, उस रीजन को, उस इलाके को, उस दायरे को, उस क्षेत्र को, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज उस फील्ड में, वहां तक का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएगा और ये चार्ज रहेगा। ये अपुन का एरिया है, ये अपुन का एरिया है, क्योंकि वहां तक चार्ज की दादागिरी भले कम ज्यादा जो भी हो। ये बात तो सही है कि यहाँ पे दादागिरी स्ट्रांग हुई, यहाँ पे दादागिरी थोड़ी सी कम 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 कम, और जाते जाते दादागिरी एक समय पे मर जाएगी थोड़ी दूर तक। भाई एरिया पूरा वर्ल्ड तो होता नहीं किसी का गुंडे, थोड़ी दूर तक ही होता एरिया। तो ऐसे ही खुशबू का एरिया थोड़ी दूर तक होगा, आपके घर से लेके 500 किलोमीटर दूर थोड़ा ना खुशबू आएगी, दो पांच मीटर दस मीटर तक ही आएगी ना खुशबू। ऐसे इसकी भी दादागिरी थोड़ी दूर तक चलेगी। तो जिस दूरी तक इसकी दादागिरी जा रही है वहां तक के स्पेस को क्या बोलेंगे बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ये कुछ फ्लावर है, इस फ्लावर के जोन ऑफ स्मेल कह लो, समझ गए ना, जोन ऑफ फ्लेवर कह लो, इसकी खुशबू के क्षेत्र में, इसकी जहां तक खुशबू जा रही है, अगर कोई भौरा आ गया, भौरा जानते हो, उड़ता है ना भौरा, रस चूसता है फूल का, है ना। तो ये उड़ता हुआ भौरा आ गया, वो छोटा सा कीड़ा सा होता है, अगर ये भौरा आ गया तो ये फूल इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भौरे को ये फूल अपनी तरफ बुलाएगा, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। अरे भाई भौरे को बुला रहा है, तो भौरे को बुला रहा मतलब एक ताकत है जो खींच रही है उसको उसकी तरफ। बोलो ये सब ताकत एक खींच रही ना, फील्ड में फील्ड देख लिया, अब फील्ड के बाद एक फोर्स से उसको वो खींच रहा है, ताकत है, वो ताकत क्या लगी? फोर्स। क्लियर हुआ? तो ऐसे सिमिलरली यदि चार्ज के एरिए में यदि बाहर से कोई गुंडा या गुंडी आ जाए, गुंडा आ जाए या गुंडी आ जाए, तो भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। गुंडा आ गया मतलब सेम चार्ज पॉजिटिव, तो ये बोलेगा ओए ये अपन का एरिया, निकल ले यहाँ से, पलटी मार। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर निगेटिव आ गया चार्ज अपोजिट नेचर का, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो आपको पता है ना, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भौरे के जैसे बोलेगा आइए स्वागत है आपका, वेलकम मैडम, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा। समझ में आया? तो पहली चीज क्या देखी अपन ने बच्चा लोग, पहली चीज अपन ने देखी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या देखी भाई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज क्या देखी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या देखी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो ये सब। तीसरी बात आ रही है जिसका नाम इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल क्या है समझिए, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? मान लीजिए कि आप किसी शो में गए हुए हैं, कोई शो है, लाइव कंसर्ट चल रहा है, यो हरी सिंह का कंसर्ट चल रहा है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे खड़े होकर के, हरी सिंह जो है गाना गा रहा है, ठीक है ना, गाना गा रहा है हनी सिंह राउंडेड टेबल में खड़े होकर, और आप इसके चारों तरफ जो लॉबी बनी हुई है
1, 2, 3, 4 ऐसे राउंडेड स्टेडियम बना हुआ, उसके राउंडेड चेयर्स लगी हुई है गोल 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 करके, आप बैठे हुए या आपकी स्कूल का टीचर मान लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी स्कूल का टीचर मान लो, बताइए मुझे स्कूल के टीचर के रिस्पेक्ट में आप बैठे तो आप कहाँ पर एनर्जी ज्यादा महसूस करते हो? फर्स्ट लेयर में ज्यादा एनर्जी महसूस करोगे, सेकेंड लेयर में करोगे कि थर्ड लेयर में करोगे? बताइए सबसे ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी आप कहाँ पर महसूस करेंगे, फर्स्ट पे, सेकेंड में कि थर्ड पे? फर्स्ट पे। तो यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल बहुत हाईएस्ट है, यहाँ पर एनर्जी लेवल उससे कम है, और यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या है? और कम है। तो ये जो एनर्जी महसूस करते हैं बच्चों किसी चार्ज के, तो ऐसे ही ये चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है यार? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये हनी सिंह कह लो आपके टीचर का जो फील्ड बन रहा था, तो आपकी एनर्जी सबसे लेवल पे ज्यादा एनर्जी महसूस करोगे, इसलिए पढ़ने वाले बच्चे हमेशा आगे बैठते हैं ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई ट्रू नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सर जी इनके साथ इंटरेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। अब सर इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, बच्चे आगे बैठ के सो जाए उससे क्या दिक्कत है ना? मगर फिर भी कन्वेंशनली ये माना जाता है कि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा आगे बैठते हैं, अभी भी चलता है, कन्वेंशन चलता है। तो मतलब यहाँ पर इनका एनर्जी लेवल जो महसूस होगा सबसे ज्यादा है, होता भी है ऐसा, यहाँ पर एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होगा। और जो सबसे लास्ट में बैक बेंचर्स रहते हैं उनको ज्यादातर इग्नोर ही करा जाता है, करा जाता कि नहीं करा जाता? अपन सभी बैक बेंचर्स वाले हैं, तो उनको इग्नोर मारा जाता है। और वो बच्चे भी कहते हैं कि सर हमको इग्नोर मारो तो हम आपका इग्नोरेंस ही चाहते हैं। क्यों? तो वहां पर जाकर के उनका एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, इंटरफेंस बहुत कम हो जाता है, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। इसको तो क्या बोलते हैं भाई, इस चीज को, इस चीज लेवल ऑफ एनर्जी जो फील करेगा पर्टिकुलर लेवल पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेवल ऑफ एनर्जी, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा भाई? तो भैया मैंने तीन बातें बताई आपको, नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नंबर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नंबर थ्री इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये तीन बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। ये तीनों बातें इस चैप्टर में हम बहुत खूबसूरती के साथ बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन समराइज कर देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ओके, एंड अंडर इट वी स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी वजह से स्टेशनरी चार्ज की वजह से, एक रुके हुए चार्ज की वजह से हम इन सारी क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं। एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की ये ब्रांच जिसमें हम रेस्ट चार्ज के इतने सारे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लिखिए क्वेश्चन, राइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखो। फिर से चार्ज पे आ गए हैं, राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यस, तो फर्स्ट पॉइंट, आराम से आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। There are only two types of charges. There are only two types of electric charges called positive charge and negative charge. Second point, like charges in positive positive and negative negative repel each other. अगर आपके पास दो charge bodies हैं, एक के ऊपर भी positive charge है, दूसरे के ऊपर भी positive charge है, then they will repel each other. ये इसको दूर की तरफ धक्का मारेगा, ये इसको दूर की तरफ धक्का मारेगा। क्लियर हो गया?
दे विल रिपेल ईच अदर। अगर इस चार्ज का नाम, चार्ज बॉडी का नाम है वन, तो इससे आने वाला चार्ज क्यू वन है। अगर इस चार्ज बॉडी का नाम है टू, ये बॉडी नंबर वन, ये बॉडी नंबर टू, तो बॉडी वन पर आने वाला चार्ज क्यू वन है, बॉडी टू पर आने वाला चार्ज क्यू टू है। तो बॉडी वन बॉडी टू को धक्का मारी, भाग गया, बाहर की तरफ धक्का लगाएगी, और इस पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा बच्चों, याद करो ये नोटेशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑन बॉडी टू बिकॉज ऑफ वन। फिर से बोल, क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन बॉडी टू बिकॉज ऑफ बॉडी वन, एंड ये फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन बॉडी वन बिकॉज ऑफ बॉडी टू। तो बच्चा लोग ये दो फोर्सेस लगेंगे, इन दो फोर्सेस से बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, या दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। तो मैंने लिखाया, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यही पर आप अगर आप अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं, बॉडी वन को प्लस ले लीजिए, बॉडी टू को माइनस ले लीजिए बेटा, तो ये बॉडी टू बॉडी वन की तरफ खींची चली जाएगी, और बॉडी वन है ये बॉडी टू है, तो बॉडी टू बॉडी वन की तरफ खींचेगी, और बॉडी वन बॉडी टू की तरफ खींचेगी। आगे समझने के लिए क्लियर हो गया, तो ये वाला फोर्स जो है लेफ्ट टू राइट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट सॉरी, ये फोर्स क्या है, दिस इज फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, एंड ये क्या है, दिस इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू बॉडी टू। अभी एक दूसरे को पास बुला रहे हैं। थर्ड पॉइंट, द अनलाइक चार्जेस मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द अनलाइक चार्जेस नलीफाई कह दो या कैंसिल कह दो या न्यूट्रलाइज कह दो, द अनलाइक चार्जेस नलीफाई इफेक्ट ऑफ ईच अदर व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट। जो ही आप प्लस और माइनस को साथ में लेके आओगे, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही आप अपोजिट चार्जेस को पास में लेकर के आओगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और ये जो प्लस और माइनस चार्ज का नोटेशन था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नोटेशन, ये सबसे पहले यूज किया था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, जो आप जानते हैं, नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज जितने उनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस, और इलेक्ट्रिकली डिसबैलेंस करके ही हम क्या, इलेक्ट्रॉनिकली डिसबैलेंस करके ही हम क्या क्रिएट करते हैं, चार्ज बॉडी डेवलप करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो बॉडी फ्री इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत? तो ये थी चार्ज के बारे में आज सारी बातें हो गई हैं, ठीक है ना, ये हो गई चार्ज के बारे में बातें। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है, लिख लीजिए, एक डिवाइस होती है बच्चों जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेटा, ये डिवाइस होती है, इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल में, इसका डिवाइस का एक बॉक्स होता है, एक चैम्बर होता है ना, इस तरीके से एक बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर एक यहाँ पे नॉब लगी होती है, उसके नीचे जाकर के यहाँ दो पत्तियां गोल्ड की बना दी जाती है। अब जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज लेकर के आओगे किसी बॉडी को, इसमें टच करोगे, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर चला जाएगा, गोल्ड लीफ पे चला जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये दो पत्तियां क्या हो जाएंगी, पहले चिपकी हुई थी ऐसे, समझ गया ना, और फिर ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्स हो जाएंगी, समझ गया ना, नीचे की तरफ रहती है तो ऐसे डाइवर्स। तो आपने ऊपर क्या टच किया, पॉजिटिव बॉडी, कोई बॉल नहीं, पॉजिटिव वाली टच कर दी, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा इसमें चला गया, थोड़ा इसमें चला गया। अब जितना हाई पॉजिटिव होगा वो पत्तियां उतनी ज्यादा फैलती जाएंगी, समझ में आ गया ना। तो इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आपके नॉलेज के लिए। तो ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डन। तो अगली बात करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, क्वेश्चन, व्हाट इज पॉइंट चार्ज,
हम अपनी फिजिक्स को आसान बनाने के लिए जैसे 11th क्लास में आपको पता होगा कि इतनी बड़ी कार हुआ करती थी, ये कार थी। अब इस कार का मास इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस याद करो उसको पढ़ने के लिए हमने इस कार को एक पॉइंट पर मान लिया था, इसका मास मान लिया था एम, मान लिया था ना। तो पूरे कार के मास को एक पॉइंट पर हमने कंसंट्रेट कर लिया था। ऐसे ही अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, कैसा भी है, तो उसके चार्ज को हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, एक पॉइंट पर फिक्स मान लेते हैं। तो दैट चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। लिखिए, इट इज ए पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा चार्ज कंसेंट्रेट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। होमवर्क लिखिए, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। देखिए आप पढ़ करके आएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए व्हाट आर कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट आर कंडक्टर, व्हाट आर इंसुलेटर एंड व्हाट आर सेमी कंडक्टर। तो इनको आपको थोड़ा सा बुक से पढ़ना, और आपको ये जो स्टडी करनी है वो कैसे करनी है, इनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के आधार पे करनी है। ओके ना, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है। ओके, तो उनके आधार पे आपको करनी है। जैसे मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आर एक्सेसिबल, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से पाए जा सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर। समझ गया ना। और ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करते थे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा इनकी स्टडी करनी है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इजी काम दिए मैंने आपको दोनों, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड पॉइंट, Describe various methods of charging. ये थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा देखिएगा, मैं बताऊंगा अगली क्लास में बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा देखिएगा। Describe various methods of charging. चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स को बताइए। अब भाई चार्जिंग क्या है, ये लिया मैंने पेन को रब कर दिया, ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। मेरे हेयर्स क्या हो गए, निगेटिवली चार्ज। So what is this charging is called charging by friction. So this is one of the methods, charging by friction. So ऐसे दो तीन methods हैं, उनको आपको पढ़ करके आना है, charging by friction, charging by induction, charging by conduction. Okay? Clear हो गया। तो ये आपको theory portion है आज की class के लिए, इतना ही। Thank you so much for being with Lokesh sir, Unlimited Study Zone. Stay tuned with us, till then, bye bye.